अस्सलाम वालेकुम, शाम 5 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं महाविश निसार। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान में गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक नाम का इजलास जारी। सदर सरदारी कहते हैं दुनिया को तारीखी तब्दीलियों का सामना है, पेचीदा मसाइल बाहमी तआवुन और हमाहंगी से हल करना होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह कहते हैं मुंबई हमलों में मुलव्वस अफराद का ट्रायल पाकिस्तान का इम्तहान है। कालादम तहरीके तालिबान की धमकी के बाद जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सर्च ऑपरेशन के दौरान 51 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कोयटा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सेशन जज जुल्फिकार नकवी, कराची में सपुर्द खाक, बलोचिस्तान और पंजाब में वकला की हड़ताल। हंगू में नमाज जनाजा के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग, दो नमाजी शहीद, 4 जख्मी। तैयारा रनवे से उतरने पर लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, परवाजों की आमदोरफ्त मौतल। भारतीय रियासत गुजरात फसादात में मुलव्वस, बीजेपी की वजीर माया किदानी को 28 साल कैद, 32 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे वनडे में टकराएंगे, सीरीज में रहने के लिए कैंगरूज को जेर करना लाजमी। और बरतानिया में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वाला शख्स सिर्फ 5 सेकंड के वक्फे से आसमानी बिजली की जद में आने से बच गया।